गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, जस्ट सो के उठे हूँ। आज हम लोग जाने वाले, वैसे आपको थंबनेल देख के पता ही लग गया होगा। तो अभी पिछले सुबह जल्दी उठ गए तो मैं नहा के आती हूँ, फिर रेडी होके चलते हैं। तो मैं नहा के आ गई हूँ और मैं रेडी भी हो गई हूँ, और जनाब अभी तक रेडी नहीं हुए। मतलब ये मेरे से काफ़ी पहले चले गए थे 6:30 बजे, और अभी 7:30 हो गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इनके रेडी होने के बाद चलते हैं। लोग निकल रहे हैं मंदिर के, बस हम लोग निकल गए हैं और सूरज भी निकल चुका है। वैसे सूरज तो कब का निकल चुका है, हम अभी निकल रहे हैं, तो मैं सोचा दिखा देती हूँ सूरज। ऐसे मंदिर के बारे में हमें पता नहीं है, मतलब यहाँ पर कहाँ पे है, तो हमने सर्च किया था और राहुल के दोस्त ने भी बताया था कि उधर पड़ता है, तो हम जाके देखते हैं कि खुला है या नहीं। और हमें सामान के बारे में भी नहीं पता है कि कहाँ मिलता है और यहाँ का रीति रिवाज क्या है। तो हम लोग एक शॉप पे हमने देखी थी, तो हम वहाँ से ले लेंगे सामान और फिर जाएंगे मंदिर। तो राहुल गए हैं अभी एटीएम में पैसे निकालने के लिए, ज़रूरत पड़ सकती है ना। वहाँ वाले हमारे वाले पंडित तो पैसे लेते हैं, हम यहाँ वाले लेंगे नहीं लेंगे देखना पड़ेगा, तो इसलिए पैसे निकाल रहे हैं। ये शॉप है तो हम वहाँ से लेते हैं मंदिर का सामान। चाहिए हनुमान मंदिर है ना, ले चुके हैं सामान और अब मिठाई वगैरह भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं मंदिर को। जब यहाँ होते हैं तो फिर हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर में, सामने ही है। ले जाने दो, पूजा हो चुकी है और हमें बहुत, मतलब मन को शांति मिली अब गाड़ी की पूजा करा करके। हमने पहली बार गाड़ी की पूजा नहीं कराई थी क्योंकि हमें यहाँ का पता नहीं था ना यार कि गाड़ी के लिए भी कोई मंदिर होता है, क्योंकि देहरादून में तो साफ पता रहता है कि कहाँ पे है मंदिर, हमें यहाँ नहीं पता था। तो इस वजह से हमने पूजा नहीं कराई थी, और फिर राहुल का एक्सीडेंट हो गया था, तो फिर उसके बाद राहुल के दोस्त ने भी कहा कि आपको करवानी चाहिए पूजा, तो उन्होंने ही मंदिर सजेस्ट किया था। फिर हम लोग अब वहाँ पूजा करवाने के लिए आए हैं, अब मतलब इसकी पूजा हो चुकी है तो काफ़ी अच्छा लगा।
तो आप घर को चलते हैं। शायद यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा रिवाज टीका लगाने का, और हमारे यहाँ पर टीका के बिना होता ही नहीं है। वैसे तो हम लोग पूजा करके गए थे, मगर जो मंदिर से हमें फूल वगैरह और मिठाई मिली है वो यहाँ पे भी चढ़ा देते हैं घर के मंदिर। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया और अब हम जा रहे हैं पंजी के लिए। वहाँ हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने वहाँ पे राहुल का चेकअप कराना है, इसलिए तो इसलिए उन्होंने लीव भी ले रखी है आज के लिए। चलते हैं हॉस्पिटल की ओर। लोग पहुंच गए हैं गोवा मेडिकल कॉलेज में, अंदर चलते हैं। हम लोग लाइन में लगे हैं पर्ची के लिए। फोन तुम्हारे पास है? लाइन दिखाती हूँ। हम लोग बैठे हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है। 45 नंबर है हमारा, और यहाँ आके पता चलता है कि लोग कितना बीमार रहते हैं यार। बुरा लगता है हॉस्पिटल में आके। 2 बजने वाले हैं और अभी तक नंबर नहीं आया है, पागल हो गए। ऊपर से पंखा भी नहीं चल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और हमारा G45 या 47 है, जिसमें मतलब पहले ABC आएगा, फिर ऐसा सीन है ना कुछ। हमारा जी है क्या यार, भूख भी लग रही है अब तो यार, 2 बजने वाले। फाइनली अब जा करके नंबर आया है और अकेले मैं बैठी हूँ और 2-4 जने बैठे हैं और सब जा चुके हैं। दिखाती हूँ। बोर हो रही हूँ मैं यार बहुत ज़्यादा। कितने बज रहे हैं यार, रुक जाओ। 3 बजने वाले हैं यार, बेकार लगता है ऐसे बैठने के लिए यहाँ पे। पता नहीं कब आएगा राहुल भी। पूरा खाली हो गया तब भी हमारा नंबर, तब जाके हमारा नंबर अभी आया है। मेरे जना बा चुके हैं और अब हम घर जा रहे हैं यार। पहले खा लेंगे कुछ, फिर जाएंगे। तुमने बना रही हो? फिर बोलो। मैंने क्या क्या खाने का मन कर रहा, स्वादिष्ट खाना। और मेरा चलो खिचड़ी खाते। अरे मैं यहीं से आए थे हम लोग। 30 देखो कितना है। चलो 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 ले, तुम्हारे पीछे
इतना छोटा कितना तेज है। चल भूख लगी है बहुत लगी है ना यार। हमारा खाना आ चुका है, हम लोग खाते हैं फिर मिलते हैं। टीका चलो भाई, हमारा लंच हो गया, अब हम घर को जाते हैं। बहुत थक गए आज यार, और गर्मी इतनी सड़ी हो रही ना, मैं क्या बताऊँ। वहाँ से 4 बजे आ गए थे, और फिर उसके बाद मेरा सिर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं सो गई और फिर 8 बजे उठी। फिर 8 बजे से अभी खाने की तैयारी करने लग गई हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत हेडेक है, मेरी आंखें भी सूज गई है, इसलिए अभी मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी और रोटी, फिर दोबारा सो जाएंगे यार, क्योंकि मेरा हेडेक हो रहा बहुत ज़्यादा। और ये कर रहे हैं प्रेस अपने यूनिफॉर्म को, तो सब्जी चढ़ा रखी, आटा गूंद दिया है बस, उसके बाद फिर मिलते हैं। चलो आपको मैं मेरे स्टाइल में सैलेड बनाना सिखाती हूँ, और अगर आप ट्राई करोगे तो आपको सच में वो इतना पसंद आने वाला है ना, मतलब आप खाने से ज़्यादा उस सैलेड को खाओगे। मतलब मैं जब भी खाना खाती हूँ ना, मैं एक गास रोटी का खाती हूँ और साथ में सैलेड, एक गास रोटी का साथ में सैलेड, मतलब मुझे इतना टेस्टी लगता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं, और आप ट्राई करना, आपको सच में बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। तो उसके लिए आपको चाहिए प्याज, जो कि मैंने जब मैं सब्जी काट रही थी ना, मतलब सब्जी के लिए प्याज काट रही थी तो मैंने तभी काट लिया था। और बीटरूट, इसको हिंदी में शायद चुकंदर या ऐसी कुछ बोलते हैं। खीरा, थोड़ी सी मिर्च, धनिया, मतलब इतना नहीं डालूँगी, थोड़ा मैं सब्जी के लिए भी रखूँगी। और नींबू, और काला नमक या सफ़ेद वाला नमक। अब हम इनको मिक्स करने वाले हैं। बचे हुए इसको डालेंगे हम सब्जी में, बाद में मैं अभी कर देती हूँ मिक्स। चलो एक हाथ से मिक्स नहीं हो रहा, बाद में मिक्स कर दूँगा। तो हम इसमें नींबू डालेंगे, डालेंगे हम नमक, काला नमक भी डाल सकते हो और वाइट वाला भी, मतलब काला ज़्यादा टेस्टी होता है तो इसलिए, काला भी मतलब काला ज़्यादा टेस्टी होता है तो इसलिए। ऐसे भी मिक्स कर देंगे, ऐसे भी मिक्स कर सकते हो, हाथ से भी कर सकते हो, ज़्यादा आपको जिससे आपको कंफर्टेबल लगे। मिक्स कर दिया है, और देखने में इतना टेस्टी लग रहा है तो खाने में भी सच में बहुत टेस्टी लगता है। वैसे तो सब लोग इसी तरीके से बनाते हैं, मतलब क्या बोल रही मैं, मतलब सारी चीज़ें यही होती हैं, मगर थोड़ा मेरा स्टाइल डिफरेंट है, तो शायद आपको पसंद आएगा। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, जो जो मैंने चीज़ बताई हैं वो आप कुछ चीज़ स्किप भी कर सकते हो, मगर अगर सारी चीज़ें यही होंगी तो आपको सच में मज़ा आने वाला है, तो ट्राई ज़रूर करना। अभी चलते हैं खाने के लिए, 9:30 हो गए शायद। जब मैं लेट गई, लाइट बंद कर दी, उसके बाद मुझे याद आया कि व्लॉग की एंडिंग भी करनी है। हमने खाना खा लिया है और हम सोने लग गए। आज का व्लॉग यहीं तक था, होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि आज मैंने आपको नए तरीके का सलाद सैलेड बनाना सिखाया है। तो
और मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अपनी लिपस्टिक या मुंह धोऊं, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, कल ही होगा जो होगा। ऐसे तो मैं धो लेती हूँ हर रोज़, मगर आज मैं ज़्यादा थक गई हूँ तो इस वजह से। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।